जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर। वंशी विभूषित करा नवनीर दाभा, पीतांबरा तरुण बिंब पला दरोष्ठात, पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रा, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हमने कल की कथा में यह श्रवण किया कि एक सरोवर के किनारे दुर्योधन बड़ी दयनीय अवस्था में पड़ा हुआ था। दुर्योधन का मित्र है अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का पुत्र है, जन्म से ब्राह्मण है, आज अश्वत्थामा से रहा नहीं गया, अपने मित्र दुर्योधन से पूछता है, मित्र बताओ मैं तुम्हारी क्या सहायता करूं। दुर्योधन ने कहा, जाओ, यदि तुम्हें मित्रता निभानी है तो जाकर के पांडवों को मार करके आओ। आज अश्वत्थामा निकला है, भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण पांडवों की छावनी के बाहर द्वारपाल का काम कर रहे हैं। भगवान तो सबके हृदय में विराजमान है ना, आज जो अनहोनी घटना घटने वाली है उसके बारे में भगवान को पता चल गया। आज केशव ने पांडवों को उठा करके दूसरे स्थान पर रख दिया है। पांडव तो दूसरे स्थान पर चले गए लेकिन पांडवों के पांच पुत्र वहीं सोए रह गए। अश्वत्थामा का प्रवेश छावनी के अंदर में होता है, रात्रि का समय है, कुछ ठीक से दिख नहीं रहा। भ्रमवश उसने पांडवों के पांच पुत्रों को पांडव समझ लिया, उन पांचों पुत्रों का गर्दन काट करके आज भागे भागे चला है। दुर्योधन के पास पहुंचा, बहुत खुश है आज अश्वत्थामा। उसने कहा कि दुर्योधन देखो, जो काम अब तक नहीं हो पाया था उसे मैंने झट समाप्त कर दिया। अच्छा दिखाओ। तो दुर्योधन ने जैसे देखा कि ये तो पांडव नहीं, पांडव के पांचों पुत्र हैं, हा हा करके उसने आज अपने प्राण त्याग दिए। इस बात के बारे में चारों ओर चर्चा होने लगी। जब द्रौपदी को पता चला है इस घटना के बारे में तो पछाड़ खा करके गिरी है। आहा, बोलती है कि मेरे इन अबोध दुर्बोध बच्चों ने आखिरकार क्या किया था विधाता, जो इन्हें प्राणों से हाथ धोना पड़ा। आज कुरही की तरह विलाप करती है द्रौपदी। वहां लोग इकट्ठा होने लगते हैं, लाखों की संख्या में भीड़ आ जाती है। सबको पता चला कि अश्वत्थामा ने यह दुष्कर्म किया है। आज सभी लोग धुतकार रहे हैं अश्वत्थामा को, ऊंच निवास नीच कर तो थी। कहा द्रोणाचार्य ब्रह्म तेज में जीने वाले गुरुत्व के पद पर आसीन, और कहा उनका यह दुष्कर्मी पुत्र। आज द्रौपदी की स्थिति को देख करके अर्जुन को क्रोध आया। अर्जुन कहते हैं कि हे देवी, आज मैं तुम्हारा सौकंद खाकर कहता हूं कि अश्वत्थामा जीवित नहीं बचेगा। आज अर्जुन ने अपने धनुष पर बाण का संधान कर लिया। जब अश्वत्थामा को पता चला है
कि अर्जुन ने अपने धनुष पर बाण का संधान किया तो वह भयभीत होकर के ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर देता है। अब अर्जुन जब देखते हैं कि ब्रह्मास्त्र पूरे वेग के साथ उनकी ओर आ रहा है तो अर्जुन किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। जब अर्जुन देखते हैं कि यह तेज संभाले नहीं संभलता, केवल एक सहारा उन्हें नजर आता है, वह है गोविंद के श्री चरणों का सहारा। आज अर्जुन गोविंद के श्री चरणों में पड़ जाते हैं और पढ़ के क्या बोल रहे हैं कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर त्वमेको दह्यमानानाम त्वमेको दह्यमानानाम अपवगोसि संस्रिते त्वमेको दह्यमानानाम अपवगोसि संस्रिते। हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। आज अर्जुन ने भगवान की शरणागति ग्रहण की है। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुमने एक बार मेरी शरणागति कुरुक्षेत्र की भूमि में भी ली थी, उस समय मैंने तुम्हें एक ही बात बताया था कि उठो और कर्तव्य पालन के लिए युद्ध करो। अरे उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया तो क्या हुआ, तुम भी तो कोई अज्ञानी नहीं हो, तुम्हें भी तो ब्रह्मास्त्र चलाने की विद्या आती है। अर्जुन आज खड़े हो गए। गोविंद ने कहा, देखो लोहे को लोहे से काटा जाता है, विष को मारने के लिए विष का प्रयोग किया जाता है, कांटे को निकालने के लिए कांटे का प्रयोग होता है, इस ब्रह्मास्त्र की शक्ति को छीन करने के लिए तुम्हें ब्रह्मास्त्र का संधान करना होगा। आज अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। दोनों ब्रह्मास्त्र आज आपस में टकरा कर धरती पर गिर गए। अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ करके लाते हैं और सबसे पहले द्रौपदी से पूछते हैं कि द्रौपदी बताओ इसके साथ क्या किया जाए। द्रौपदी बोलती है, इसे छोड़ दीजिए, बड़े भैया। युधिष्ठिर की ओर नजर दौड़ाते हैं, पूछते हैं कि भैया आप ही बताइए इसका क्या हासिल करूं। बड़े भैया युधिष्ठिर धर्म पर आयन है ना, कहते हैं कि अर्जुन जैसा हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा हो तुम उसका अनुपालन करना, कोई भी ऐसा कार्य मत करना कि जिससे तुम्हें पाप लग जाए। भीमसेन की ओर देखते हैं अर्जुन, पूछते हैं भैया भीम आप बताइए कि इसके साथ कैसा व्यवहार करूं। भीमसेन कहते हैं कि अर्जुन अश्वत्थामा आदताई है, इसने निर्बोध बालकों की हत्या की है, हत्या का दंड तो इसे मिलना ही चाहिए और उसका केवल एक ही दंड है, इसको छोड़ो मत। अर्जुन यदि आपने आज इसे छोड़ दिया तो यह मेरे हाथों मारा जाएगा। नकुल और सहदेव की ओर अर्जुन देखते हैं। नकुल सहदेव कहते हैं, बिल्कुल भीम भैया जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें उनके मार्ग पर चलना चाहिए। द्रौपदी की ओर फिर से आंख घुमाया। द्रौपदी ने आज अश्वत्थामा के प्राणों की रक्षा की मांग की, कहती है कि मुच्यता मुच्यता मेसा ब्राह्मणो नितराम गुरु ब्राह्मणो नितराम गुरु। हे देव इसको छोड़ दीजिए, आप तो जानते हैं ना कि इसकी माता के बुढ़ापे का सहारा केवल यही है, माता गौतमी कैसे जिएगी यदि अश्वत्थामा नहीं रहा तो। युद्ध में तो इनके पिता स्वर्गवासी हो गए, द्रोणाचार्य जी रहे नहीं, अब माता गौतमी
का एक ही सहारा है अश्वत्थामा, यदि वो भी चला गया तो माता गौतमी कैसे जिएगी। इसको मृत्यु दंड दे दें तो भी तो मेरे पुत्रों का जीवन वापस नहीं लौट सकता है, इसलिए हे देव आप इसको छोड़ दीजिए। एक तो यह ब्राह्मण है, दूसरा गुरु पुत्र है, दोनों तरह से यह वंदनीय है। हालांकि इसने अपराध तो जरूर किया, लेकिन अपराध के दंड स्वरूप यदि इसे मृत्यु दंड दिया जाता है तो भी मेरे बच्चों का जीवन वापस लौटने वाला नहीं है, इसलिए हे देव मैं आपसे विनती करती हूं कि इसको प्राण दान दे दीजिए। आज अर्जुन असंतुष्ट नजर आते हैं, मन में सोचते हैं, ये करुणा का भाव द्रौपदी के मन में आया है। कहते हैं सठे साठ्यम समाचरे, इसने इतनी निशंसता दिखाई है, इसे इसके अपराध का दंड तो मिलना ही चाहिए। आज असंतुष्ट है अर्जुन, केशव की ओर नजर दौड़ाते हैं, कहते हैं कि हे गोविंद मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या करना उचित रहेगा। तो गोविंद कहते हैं हे अर्जुन, इसने बच्चों की हत्या की है, निर्ममता दिखाई है, तो उसका एक ही दंड है, वह है प्राण दंड, मृत्यु दंड। इसे मृत्यु दंड तो मिलना ही चाहिए, लेकिन हे अर्जुन उसके साथ ही यह भी तुम्हें देखना चाहिए कि अश्वत्थामा ब्राह्मण है और वेदों ने ब्राह्मणों की हत्या की मनाही की है। ब्राह्मण यदि कितना भी बड़ा पाप क्यों ना कर दे, वह मारने योग्य नहीं होता है अर्जुन। इसलिए जाओ, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि इसे मार भी दो और छोड़ भी दो। या गोविंद ऐसा कहते हैं, मानो कि मारो भी मत और छोड़ो भी मत। बगल में भीमसेन जी सुन रहे होते हैं, कहते हैं कि बाबा यदि ऐसे एक दो न्यायाधीश हमारे देश को मिल जाए ना तो पूरे देश का कल्याण हो जाए। कहते हैं मार भी दो और छोड़ भी दो। किसी को कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन अर्जुन ने तो भगवान की शरणागति ग्रहण की है ना, गीता का उपदेश भी लिया था अर्जुन ने, अर्जुन को बात समझ में आ गई है। आज ब्राह्मण को अपमानित किया है, आधा दाढ़ी मोड़ दिया, आधा मूछ मोड़ दिया है अश्वत्थामा का, आधा बाल मोड़ दिया, माथे पे मस्तक पे जो मणि था उसे निकाल लिया है बाहर, और आज अपमानित करते हुए अश्वत्थामा को बाहर निकाल दिया है। लेकिन प्राण की रक्षा कर ली उसकी, उसे मृत्यु दंड नहीं दिया। देखिए मृत्यु दंड यदि मिल जाता अश्वत्थामा को तो कोई और बात होती, प्राणों की रक्षा हो गई, लेकिन अश्वत्थामा ईर्ष्यावश जलने लगा है। आज अश्वत्थामा ने सोचा, रुको मैं अर्जुन को सबक सिखाता हूं। आज अश्वत्थामा ने फिर से ब्रह्मास्त्र का संधान किया। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था उस समय अश्वत्थामा ने सुन रखा था कि अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु है, उसकी पत्नी उत्तरा के गर्भ में 3 महीने का बालक पल रहा है। आज उत्तरा के गर्भ में जो बालक पल रहा था उसका 9 महीना पूरा हो रहा था। अश्वत्थामा ने सोचा पांडवों के वंश का दीपक यही केवल एक बचा हुआ है, यदि इसका प्राणांत हो जाए तो पूरे वंश का नाश हो जाएगा। ईर्ष्यावश उत्तरा के गर्भ को निशाना बनाते हुए आज ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है अश्वत्थामा ने।
जैसे ही ब्रह्मास्त्र को आते हुए उत्तरा ने देखा तो उत्तरा आज श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी है। कि पाही पाही महायोगी देव देव जगतपते कि नान्यं तद्वयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। आज गोविंद की और दोनों हाथ उठा करके रक्षा की मांग की है उत्तरा ने। भगवान ने आश्वासन दिया कि हे देवी, तुम अपने मन में मातृत्व की भावना को जगाओ। और जैसे ही उत्तरा ने मातृत्व की भावना को जगाया है अपने हृदय में, गोविंद अंगुष्ठ मात्र बन करके उत्तरा के गर्भ में समाहित हो गए हैं। उन्होंने अपने गदा को एक चक्र की तरह घुमाया और घुमा करके ब्रह्मास्त्र की शक्ति को छीन कर दिया है। भगवान बाहर से पूछते हैं कि देवी कैसा लग रहा है, हे पुत्री अब सब कुछ ठीक है? उत्तरा कहती है हाँ, अब मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूं। गोविंद ने ब्रह्मास्त्र की शक्ति को छीन कर दिया। देखिए भगवान भक्तों के हृदय की बातों को जान लेते हैं, लेकिन कुछ कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो भगवान की लीलाओं को भी समझ लेते हैं। माता कुंती को आज बात समझ में आ गई कि गोविंद ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है। आज माता कुंती रुदन करने लगती है, कहती है हे श्री कृष्ण द्वारिका वासिन देव देव जगतपते देव देव जगतपते। हे गोविंद, तुम तो साक्षात ब्रह्म हो और आप पर पुरुष हो, पुरुषोत्तम हो। तुमने आज फिर से उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। मैं तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज माता कुंती प्रणाम कर रही है। गोविंद कहते हैं कि हे बुआ, तुम तो मेरी बुआ हो ना, मुझे ही प्रणाम कर रही हो, ये शोभा नहीं देता बुआ तुम्हें। मैं तो तुम्हारे पुत्र के जैसा हूं, तुम तो मेरी बुआ हो ना। कुंती ने कहा कि हे गोविंद, तुम्हारा कोई बुआ नहीं, कोई फूफा नहीं, तुम्हारी कोई मौसी कोई मौसा नहीं, तुम तो हम सभी के पर बाबा हो, तुम तो परात्पर ब्रह्म हो, तुम तो साक्षात भगवान हो। आज मैं समझ गई तुम्हारी लीला को गोविंद। गोविंद कह रहे हैं, आज केशव ने कहा कि हे माता कुंती, यदि तुम कहती हो कि मैं भगवान हूं, चलो वही सही, यदि मैं भगवान हूं तो आज कुछ मांगो मुझसे, मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम सभी को कुछ ना कुछ देना चाहता हूं। युधिष्ठिर ने मांगा, हे गोविंद मुझ पर इतनी कृपा करो कि मैं सत्य के रास्ते से कभी भटकू नहीं, जीवन में हमेशा सत्य के मार्ग पर चलता रहूं। भीमसेन ने कहा कि हे गोविंद मुझे कुछ देना चाहते हैं तो इतना ही देना कि आपकी याद सदैव बनी रहे। अर्जुन ने कहा कि गोविंद आपने मुझ पर विशेष कृपा करी थी, कुरुक्षेत्र के मैदान में मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार किया था और मैंने आपको अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया था। हे गोविंद हे केशव, मुझ पर इतनी कृपा बनाए रखना कि यह गुरु शिष्य का संबंध सदैव ऐसा ही बना रहे। सुभद्रा ने कहा, गोविंद मुझ पर इतनी कृपा करना कि यह मन रूपी हंस जो मेरा है तुम्हारे चरण रूपी पिंजरे में हमेशा फंसा रहे, हमेशा फंसा रहे। आज गोविंद ने तथास्तु कह के सबको प्रसन्न किया। माता कुंती की ओर गोविंद नजर दौड़ाते हैं, कहते हैं कि देवी तुम भी तो कुछ मांगो। माता कुंती कहती है कि हे गोविंद, तुम्हारी कृपा से
तुम्हारी सहायता से आज मेरे पास सब कुछ है, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा। और यदि तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो सुनो कि विपदा संतु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स्याद पुनर्भव दर्शनम। आज माता कुंती ने भगवान से दुख मांगा है, विपदा मांगी है। गोविंद कहते हैं कि हे देवी, इतने दिनों के बाद तुम्हारे जीवन में सुख आया, इसके पहले तो तुम्हारे जीवन में दुख ही दुख था, दुख ही दुख था। मैं जाकर भी तुम्हें दुख नहीं दे सकता। हे बुआ, कुछ दूसरा चीज मांगो, मैं तो चाह करके भी तुम्हें दुख नहीं दे सकता। ये जो माता कुंती है ना, इनका जीवन शुरू से अंत तक दुख ही दुख में बीता है। इनका जन्म हुआ सूरसेन के घर में, राजा सूरसेन के घर में, और इनका पालन पोषण किया है राजा कुंती भोज ने। देखिए, यदि संतान का पालन पोषण कोई और करे ना, तो उससे ज्यादा दुख क्या हो सकता है। क्योंकि कुंती भोज ने इनका पालन पोषण किया, इसलिए इनका नाम पड़ गया कुंती। जब ये थोड़ी बड़ी हुई, विवाह योग्य हुई, इनकी शादी करा दी गई राजा पांडु से, जो पीलिया रोग से ग्रसित से, पति का भी सुख इन्हें नहीं मिला। राजा पांडु को ऐसा साप मिला हुआ था कि यदि काम की इच्छा लेकर अपने पत्नियों के साथ तुम विहार करोगे तो तत्क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। एक बार माता माद्री के पास जब पांडु जाते हैं विहार करने के उद्देश्य से, उनकी मृत्यु हो जाती है असमय। ये तो महर्षि दुर्वासा की ऐसी कृपा दृष्टि थी कि माता कुंती को उन्होंने आशीर्वाद दिया था, उसी आशीर्वाद का सदुपयोग करके, उसी वरदान के सहारे माता कुंती को धर्मराज के माध्यम से युधिष्ठिर की प्राप्ति हुई। इंद्रदेव ने कृपा की तो अर्जुन हुए, पवन देव की कृपा से भीमसेन हुए, और दोनों अश्विनी कुमारों ने जब माता माद्री पर कृपा की थी तो नकुल और सहदेव हुए थे। माद्री ने कहा कि मेरे ही कारण मेरे पति का स्वर्गवास हुआ है। माता माद्री ने सतीत्व को ग्रहण कर लिया। अब पांचों पुत्र कुंती के और माता कुंती अकेली जब कौरवों के पास पहुंचती है तो कभी इनके पुत्रों को जलाकर मार देने का षड्यंत्र हो रहा है, कभी इनके भोजन में विष डाल दिया जा रहा है, कभी इन्हें धक्का देकर गिरा दिया जा रहा है, और न जाने कैसे कैसे षड्यंत्र इनके पुत्र वधु का चीर हरण तक कर लिया कौरवों ने। ऐसा कुत्सित प्रयास किया, शुरू से अंत तक माता कुंती के जीवन में केवल दुख ही दुख है। 12 वर्ष का वनवास पांडवों को मिला, 1 वर्ष का अज्ञातवास, और न जाने कितने अपमान सहने पड़े। माता कुंती ने अपने जीवन में केवल दुख सहा है। गोविंद कहते हैं कि आज युधिष्ठिर को राजगद्दी मिली है, तो मैं आपसे कहता हूं बुआ कि कुछ तो मांगो। तो बुआ कहते हैं कि सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, और बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए, पल पल नाम जपाए।
हे गोविंद, इस सुख से तो बढ़िया है वह दुख जिसमें आपका सुमिरन स्मरण हमेशा बना रहता है। विपदो नैव विपदः, संपदो नैव संपदः, विपद नारायण विस्मृति, संपद नारायण स्मृति। हे गोविंद, वास्तव में वह विपदा विपदा नहीं है जिसमें नारायण की स्मृति बनी रहे, आपकी स्मृति बनी रहे। वास्तव में विपदा तो वह है जब आपकी विस्मृति बन जाए। आज माता कुंती ने गोविंद को बहुत सारी बातें बताई। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, गोसाई जी कहते हैं ना कि कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब भजन न सुमिरन होई, जब तब भजन न सुमिरन होई। आज गोविंद ने कहा है माता कुंती से कि माता, आपके जीवन में तो दुख ही दुख है, दुख ही दुख है, अब मैं तुम्हें और दुख नहीं दे सकता। तो माता कुंती कहती है कि गोविंद, यदि दुख नहीं दे सकते तो तुम मुझ पर ऐसी कृपा करो कि ये जो रिश्ते नातों की डोरी है ना, इसको काट दो। ये मेरा भाई है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी पुत्रवधु है, इस तृष्णा में जो मैं पड़ी रहती हूं, इस बंधन के जड़ को काट दो। देखिए, हम सब माला लेकर के जब गोविंद का ध्यान करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, तो ध्यान करते ही थोड़ी देर के बाद परिवार का स्मरण हो जाता है, बच्चों का स्मरण हो आता है, पत्नी का स्मरण हो आता है, घर परिवार के सारे रिश्ते सामने आने लगते हैं। लेकिन कभी हमने अपने रिश्तेदारों के नाम से कभी कोई माला फेरी क्या? हम रिश्तेदारों के नाम से माला नहीं फेरते, लेकिन फिर भी रिश्तेदार हमारी सोच में आ जाते हैं। जब गोविंद का ध्यान करते हैं तो रिश्तेदार आ जाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण बस इतना है कि हम गोविंद को अपना नहीं समझते, हम रिश्तेदारों को अपना समझते हैं। आज माता कुंती ने रिश्तों के सारे डोर को गोविंद के श्री चरणों में बांध दिया। कहा, गोविंद मुझ पर इतनी कृपा करना, मुझे तो बस अपने चरणारविंद की शरणागति दे दो। जो उपदेश गोविंद ने अर्जुन को गीता के माध्यम से महाभारत के रणक्षेत्र में दिया था, वही उपदेश आज गोविंद ने युधिष्ठिर को भी दिया। भगवान में वात्सल्य भाव रखते हैं युधिष्ठिर, इसीलिए भगवान की बातों को दिल से नहीं लगाया युधिष्ठिर ने। बातें समझ में नहीं आई, गोविंद सोच रहे हैं कि भीष्म पितामह मरणासन्न है, उनके माध्यम से जब यही बातें निकलेंगी तो इन्हें ज्यादा समझ में आएगा। आज पांडवों को लेकर भीष्म पितामह की ओर चले हैं, सरसैया पर भीष्म पितामह पड़े हुए हैं, सैकड़ों बाण शरीर को इधर से उधर कर दिया है, रक्त की एक एक बूंद रिस रिस करके निकल चुकी है। आज 2000 बिच्छुओं के काटने से जो पीड़ा होती है, उतनी पीड़ा सह रहे हैं भीष्म पितामह। सामने से जब देखा कि पांडवों के बीच में गोविंद मुस्कुराते हुए आ रहे हैं, तो भीष्म पितामह ने प्रणाम किया है मन से। हाथ तो नहीं उठा सकते ना। आज गोविंद ने कहा कि हे पितामह, पांडव आए हुए हैं, आज द्रौपदी भी आई हुई है, अपने उपदेश के माध्यम से इनका मार्ग प्रशस्त कीजिए। पितामह ने कहा कि गोविंद, ऐसे तो तुमसे अच्छा उपदेशक कौन है इस दुनिया में
लेकिन यदि आप कह रहे हैं तो मैं स्वीकार करता हूं। आज भीष्म पितामह ने बहुत सारे उपदेश दिए, श्रम करके खूब धन कमाना चाहिए, लेकिन धन कमा करके उसका दशांश 10% दान जरूर देना चाहिए। आज भीष्म पितामह कहते हैं यदि धन कमा कमा करके केवल संग्रह किया जाए तो उस धन में विकृति उत्पन्न हो जाती है। देखो, यदि किसी कुएं में जल हो, उसे सालों साल उसके पानी को न निकाला जाए, ऐसे ही छोड़ दिया जाए ना, तो उस कुएं से दुर्गंध आने लगती है। ठीक उसी प्रकार यदि आप खूब धन कमाओ और धन को संग्रह कर लो, धन का संग्रह कर लो, उस धन का सदुपयोग नहीं करो, लोगों को दान नहीं दो, सत्कर्मों में उस धन का व्यय नहीं करो, तो उस धन में भी विकृति उत्पन्न हो जाती है। यदि तुम्हारे पास धन है तो जिनके पास धन नहीं है निर्धनों की सहायता करो, जो भूखे हैं उनको भोजन दो, यदि कहीं गौशाला बननी हो, कहीं मंदिरों का निर्माण करवाना हो, तुम्हारे धन देने से यदि कोई लाभ पहुंच जाए तो गौशाला निर्माण में धन लगाओ, मंदिरों के निर्माण में धन लगाओ, निर्धनों को धन दो, भूखों को भोजन करवाओ, धन की इसी में सदगति है। राजा का यह कर्तव्य है कि वह प्राण देकर भी अपने प्रजा की रक्षा करे। बाबा ने कहा, भीष्म पितामह ने कहा कि पांडवों कभी आंखों के सामने पाप होते नहीं देखना चाहिए। यदि आप में पुरुषार्थ है और आंखों के सामने यदि पाप हो रहा हो तो पाप का विरोध करो। यदि सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है, तो वहां से किनारे हो जाओ, लेकिन पाप होते हुए कभी नहीं देखना चाहिए। पाप करना तो अधर्म है ही, पाप को होते हुए देखना भी अधर्म है। यह बात कह ही रहे थे तो द्रौपदी खिलखिला के हंस पड़ी। भीष्म पितामह को आश्चर्य हुआ, पूछते हैं कि द्रौपदी बेटी तुम क्यों हंस रही हो? द्रौपदी कहती है, नहीं नहीं पितामह, गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। भीष्म पितामह कहते हैं कि कोई कुलवती नारी बिना कारण के हंसती भी नहीं है, बताओ बेटी क्यों हंसती हो? द्रौपदी ने कहा, हे पितामह, जब कौरवों की सभा के मध्य में मेरा चीर हरण कर रहा था दुशासन, तो आप सबसे आगे बैठे हुए थे, मैंने आपसे सहायता की गुहार लगाई थी, आप चाहते तो इस दुष्कर्म को नहीं होने देते, आप चाहते तो इस अनर्थ को रोक सकते थे, लेकिन आपने नहीं रोका था। क्या वो पाप नहीं था? आज हिचकियों के साथ भीष्म पितामह रो पड़े हैं। बेटी बिल्कुल सही कहा तुमने, मेरे रक्त में दुर्योधन के अन्न का दूषित भाग था। आज 54 दिन हो गए रिस रिस करके मेरे शरीर के सारे रक्त निकल गए, आज मैं उस पाप से मुक्त हो रहा हूं बेटी। और मैं क्या बताऊं, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया था। भीष्म पितामह ने गोविंद को कहा कि गोविंद, मैं अपने पिछले 124 जन्मों को देख सकता हूं, मैंने पिछले 124 जन्मों में कोई अपराध नहीं किया, कोई पाप नहीं किया,
तो भी मेरी ऐसी दुर्गति हुई। गोविंद ने कहा कि आप चाहते तो द्रौपदी का चीरहरण रोक सकते थे, लेकिन आपने उस समय इस पाप को नहीं रोका, इसलिए आपको ऐसा दिन देखना पड़ा है पितामह। द्रौपदी ने भीष्म पितामह का चरण पकड़ लिया, कहा कि बाबा अब उन पुराने बीते दिनों को भूल जाइए, अब अपने आप को कष्ट देने की बारी नहीं है, उस दिन को भूल जाइए। आज भीष्म पितामह ने गोविंद को याद किया, गोविंद को आज भीष्म पितामह कहते हैं कि हे गोविंद, मुझे वो दिन याद आ रहे हैं जब आपने मेरे प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया था। हे गोविंद, मेरी एक बेटी है। यह बात जब भीष्म पितामह कर रहे थे तो सब चिंता में पड़ गए कि बाबा ने तो शादी नहीं की कभी, भीष्म पितामह ने इनकी कौन सी बेटी हो गई। भीष्म पितामह कहते हैं मेरी बेटी का नाम है बुद्धि। हे गोविंद, मैं चाहता हूं कि मैं अपनी बेटी बुद्धि का विवाह आपसे कर दूं। अब केवल मेरी बुद्धि आपके श्री चरणों में फंसी रहे, मुझ पर इतनी कृपा करना। आज गोविंद ने तथास्तु किया। भीष्म पितामह ने महाभारत में यह प्रण किया था एक दिन कि आज यदि मैंने गोविंद के हाथों से शस्त्र नहीं उठा दिया तो मैं भी गंगा पुत्र नहीं। महाभारत का युद्ध हो रहा था, भीष्म पितामह के बाणों के प्रभाव से पांडवों की सेना कमजोर पड़ गई। आज पितामह बाण पर बाण छोड़े जा रहे हैं, अर्जुन का बाजू बंद ढीला पड़ गया, रक्षा कवच निकल गए हैं। भीष्म पितामह ने गोविंद के चरणों में आज बाणों की वर्षा की। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पार्थ धनुष उठाओ और अपनी रक्षा करो। अर्जुन कहते हैं कि हे गोविंद, आज तो भीष्म पितामह इस प्रकार से बाणों की वर्षा कर रहे हैं, मैं जब तक बाण का संधान करना चाहता हूं तब तक वो बौछार कर जाते हैं, आज लगता है प्राणांत तो होकर रहेगा। गोविंद ने समझा कि हो न हो आज भीष्म पितामह के हाथों अर्जुन वीर गति को प्राप्त हो सकता है। भगवान ने आज अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी। बगल में एक रथ का पहिया पड़ा हुआ था, भगवान ने उस पहिया को अपने हाथों में उठा लिया। जैसे ही पहिया को उठाने गए उनका उत्तरीय नीचे गिरा, तो उसे संभालते हुए जब झुके तो माता पृथ्वी को कहा कि हे माता, ऐसा मत समझो कि मैं अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ रहा हूं। अरे इसे तो इसलिए तोड़ना पड़ रहा है क्योंकि मुझे आज भीष्म की प्रतिज्ञा की रक्षा करनी है। ऐसे हैं भक्त वत्सल भगवान गोविंद, हमारे भगवान श्री कृष्ण। उन्होंने आज भीष्म पितामह के वचनों की रक्षा करने के लिए अपने प्रतिज्ञा को विस्मृत कर दिया, अपने प्रतिज्ञा को तोड़ दिया है। आज कहते हैं भीष्म पितामह कि देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यह गीत गाकर तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति,
और हे कृष्ण हे कृष्ण कह के आज भीष्म पितामह ने गोविंद के सामने अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।